और जो भी भाई आहुति देना चाहे वो दे सकते हैं, आप ही दे सकते हैं अगर इस चाइनीज आइटम को बहिष्कृत करने के लिए। और इन लड़ियों को जला करके अपना विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। दीपक जी, जिस तरीके से बाइकॉट चाइना कैंपेन की शुरुआत हमने की थी, उसके बाद से आज आप लोग चाइनीज भालों को जला रहे हैं और मिट्टी के दिए बांट रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो लेकर के अभी कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शुरुआत आपके न्यूज चैनल के ही माध्यम से मैं बताऊँ तो मुझमें ये जो एक प्रेरणा मिली तो उसका भी प्रेरणा स्रोत भी आपका ही न्यूज चैनल। सबसे पहले सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अभिवादन की उन्होंने बायकॉट चाइना का एक अभियान छेड़ा। और हमने जो ये किया है ये नोएडा में करके आए हैं, ग्रेटर नोएडा में किया है। अभी यहाँ पर करने का उद्देश्य भी ये है कि यहाँ पर हमारा स्वदेशी खादी भंडार यहीं पर है, और जो चाइना ने जिस तरीके से हमारे देश में बहुत छोटी छोटी जो रोजगार थे उन पर जिस तरीके से जो छोटे छोटे रोजगार थे उन पर लगभग उनको खत्म सा कर दिया है भारत देश, जैसे वो चाहे मोमबत्ती रोजगार हो, चाहे वो हमारे जो छोटे भाई लोग जो लड़ी वगैरह जो देसी लड़ियां बनती थी वो भी बिल्कुल खत्म है, वो हमारा दीपकों का रोजगार बिल्कुल लगभग ना के बराबर कर दिया है। और इससे जो एक ग्रामीण एरिया के जो छोटे छोटे हमारे भाई लोग थे जो त्योहार आने पर उनके घर में खुशियां आ जाती थी जिन पैसों से, वो खुशियां शायद अब उन लोगों को सिर्फ इस चाइनीज आइटम्स की वजह से नहीं मिल पाती। युवाओं तक इस बात को आप पहुंचाने का काम कर चुके हैं, लेकिन लगातार इस तरीके से इस कैंपेन को आप चला भी रहे हैं और आपने बताया कि युवाओं को जोड़ने का काम ये पूरे देश में, मैंने आज बोला ये आपको सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, जोधपुर, सूरत, अहमदाबाद, बहुत सारी जगह जो कि दिल्ली में भी, रोहिणी में भी हो रहा है, पीतमपुरा में भी हो रहा है, ऐसे बहुत सारे, इसीलिए हम थोड़े थोड़े 20-20 के ग्रुप दीपक भी आपको करते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर से जो लोग जा रहे हैं उन्हें मिट्टी के दीपक प्लीज आप लोग दें, इस पर पानी डाल दो, इस पर पानी डाल दो। बाइकॉट चाइना को लेकर के जिस तरीके से एक यज्ञ कहा जाए इस तरीके से यज्ञ किया इन्होंने, लेकिन यज्ञ होती है वो चाइनीज हाथों में दी गई, और आप देख सकते हैं आम लोगों तक ये मिट्टी के दीपक है वो इनके तरफ से दिए जा रहे हैं, जो लोग हैं मिट्टी के दिए अपने घरों से ले जाएं और मिट्टी के जो दीपक हैं वो अपने घरों पर ले जाकर के जलाएं। ये जो मिठाई के हैं मिट्टी के दीपक है, हमारी असली दिवाली जो है वो सिर्फ मिट्टी के दिए से ही मनाई मनानी जानी चाहिए, और ये जो चाइना का चले ये सारा बेटा खत्म होना चाहिए, ये बहुत पहले होना चाहिए। मैं छोटे बड़े हर नागरिक, हर जनता, जो बूढ़े बुजुर्ग, जब नौजवान, सब साथियों से ये कहना चाहूंगा कि अपनी स्वदेशी चीज को अपनाइए, जो कि जिससे कि हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहे। आज हमारे छोटे छोटे लोग उद्योग वाले हैं वो बेचारे वंचित हो चुके हैं, हर आदमी का चाइना के लिए खरीद आया, हर आदमी का वो दिवाली नहीं होती है, वो तो एक सोचा हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए, आप खासकर के युवा हैं, किस तरीके से आप इसको प्रमोट कर रहे हैं? चीनी सामान का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है, चीनी सामान तो बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से हमारे छोटे व्यापारियों का सारा व्यापार बंद हो रहा है, और ये एक तरीके से आतंकवाद से किसी आतंकवाद से कम नहीं है, क्योंकि ये भी वो आतंकवाद है जो पीछे से छुपकर हमारे देश में उद्योग स्थिति पर वार कर रहा है और काफी लोगों को बेरोजगार कर रहा है। आपने आज मिट्टी के जो दिए हैं वो बांटे, आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत सही है, और इंडिया को जो चाइना का बहिष्कार करना चाहिए, और पहले इनसे ये पूछो, इनसे ये पूछो चाइनीज मोबाइल कौन बनी।